हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। रोज के काम होते हैं थोड़े से मुश्किल, तो हमें कुछ चालाकियाँ करनी पड़ती हैं जिससे हमारे काम भी आसान हो जाए और हमारा समय का बचत भी हो। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूँ। तो पहला है कि हमारे पास इस तरीके से बिस्किट को लेके, बिस्किट बच्चे एक दो खाते हैं और पूरा का पूरा पैकेट खोल देते हैं, उसके बाद में बिस्किट ऐसे ही पड़ी रहती है। इसे ही बिस्किट को नहीं छोड़ना है। हमने न्यूज़पेपर या किसी भी तरह का जो पेपर होता है वो हमने लेना है और उसको इस तरीके से बॉल बना के इस बॉक्स में जिसमें भी आप रखते हो वो एयर टाइट होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर नमी ना बने। तो इससे आपका बिस्किट बिल्कुल ही खस्ता रहेंगी, कुरकुरी सी बन के रहेंगी। हफ्ते भर तक आप ये बिस्किट इस तरीके से रख सकते हैं। आई होप ये टिप आपके बहुत काम आए। अगली टिप है मेरी इस तरीके से साबुन को लेके। हम मार्केट से साबुन लेकर आते हैं, तब हमने एक काम करना होता है। इस पर क्या होता है, ये जो टेप लगा होता है ये टेप बहुत मजबूत आता है। इस साबुन को जब हमें ज़रूरत होती है तो हम खोलने में पूरी ताकत लगा देते हैं, पर ये आसानी से नहीं खोलते हैं। तो इन साबुनों को बाथरूम में रखने से पहले एक काम कीजिएगा, इस तरीके से आपने सीज़र लेना है और इस तरीके से इस पर कट लगाना है। अभी कट हम क्यों लगा रहे हैं, कि हमारा काम आसान हो जाए और जब हमें साबुन की ज़रूरत हो साबुन आसानी से निकल जाए, ना कि हमने उस टाइम सीज़र ढूंढे। क्योंकि ऐसा होता है जब हम नहाने जाते हैं या कपड़े धोने जाते हैं तो हमें एकदम साबुन की ज़रूरत होती है और हम परेशान होते हैं कि अब इन्हें खोले कैसे और काफ़ी सारी ताकत वेस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से दोनों कॉर्नर पर कट लगा लीजिए और ये ईजीली निकल जाते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उल्टा जो बाथरूम है उसमें फ्रेग्रेंस है वो ऑटोमेटिक बनी रहती है। तो ये बहुत ही यूनिक सी टिप है, बट ये बहुत काम में आती है और पेपर के टुकड़े इतने बारीक बारीक करने हैं, बड़े नहीं। अगली टिप है मेरी इस तरीके से प्लास्टिक नेट को लेगी। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिसमें ये प्लास्टिक नेट आती है। प्रोडक्ट तो हम यूज़ कर लेते हैं पर इस प्लास्टिक नेट को हम फेंक देते हैं, तो हमने ये बिल्कुल नहीं फेंकना है। हम इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे घर में जितने भी आइटम होते हैं ना, जो हमें डेली यूज़ में होते हैं और बिल्कुल सामने चाहिए फ्रंट में, तो आप उसमें ये सारे आइटम डाल दीजिएगा। जैसे मैगी है, बिस्किट है, ये चीज़ें ऐसी ही हमारे बच्चों को लगती रहती है और सामने रहती है तो खाने में भी आ जाती है। तो मैं इनको रख लेती हूँ और इस तरीके से यहाँ पर एक नोट लगा देना है। और आप कहीं पर भी किचन में जहाँ पर आपका रखने की व्यवस्था हो वहाँ आप रख दीजिएगा। जैसे मेरे यहाँ पर थोड़ा सा कील लगा हुआ है तो मैं इसमें इस तरीके से लगा देती हूँ। एक तो ये सामने रहता है प्लस ईजी होता है, तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप कर सकते हैं। अगला है कि मैं इस तरीके से नमकीन को लेके। तो नमकीन हमारे घर में आते रहते हैं, मीठा मिर्चर हो, नमकीन हो, सेव हो, ये कुरकुरे खस्ता चीज़ें हमारे घर में आती है। पर दिक्कत होती है जब इसे खोल देते हैं ना, तो ये खस्ता नहीं रहती। भले आप एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए फिर भी उतनी खस्ता नहीं रहती। तो हमने इसे प्लास्टिक में से बिल्कुल नहीं निकालना है, इसके अंदर ही रखते हुए हमने रबड़ लगा लेना है। आपके पास रबड़ ना हो तो यहाँ आप टेप लगा सकते हो, टेप ना हो तो धागा भी लगा सकते हो। और प्लास्टिक से बाहर मत निकाल लीजिएगा नमकीन को, और इस तरीके से अच्छे से पैक कर दीजिएगा। और जब आपको ज़रूरत हो आराम से खोल लीजिए और फिर से वापस पैक कर दीजिए। इससे जो आपकी नमकीन है वो बिल्कुल ही खस्ता बनी रहेंगी और मॉइस्चर इसमें बिल्कुल नहीं बनने वाला है। तो मैं इस तरीके का अप्लाई करती हूँ, आप भी अप्लाई कीजिए, आपकी नमकीन बिल्कुल ही ठीक बने रहेंगे और काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेंगे। अगली टिप है मेरी इस तरीके से दाल को लेकर। हमारे किचन में दाल ख़त्म होती नहीं है और हमारा किराना आ जाता है, ऐसा होता होगा कि थोड़ा बहुत दाल बच जाता है, तो हम क्या करते हैं इस पैकेट को जो नए वाले को खोल के इसमें मिला देते हैं। ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, जो पहले वाला दाल है ना वो जब फिनिश हो जाए पूरा तब इसे डालिएगा, नहीं तो आप इसी डब्बे में ये दाल रख दीजिए और जब दाल बनानी हो तो पहले वाली दाल को फिनिश कीजिए, उसके बाद में इसे खोलिए। टिप हमारी गैस को लेकर है। जो हमारी मेन टिप है वो है चावल को लेकर। आप चावल कितना भी अच्छी क्वालिटी का कंपनी का ले लीजिए, इतना मिलावटी आ रहा है ना कि पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि अच्छा कौन सा है ख़राब कौन सा है। तो उसके लिए टिप है इस तरीके से बर्नर पे हमने रखना है और गैस को चला देना है और हमने इसे थोड़ा सा जलाना है, या कह सकते हैं एकदम से नहीं जलाना है। और इसको ध्यान रखना है कि कुछ तो जल रहा होगा, और अगर ख़राब वाला होगा या प्लास्टिक का होगा तो वो ना मेल्ट होने लग गया होगा। तो आपने बहुत बारीकी से इस वक्त ध्यान रखना है, अगर कोई चावल मेल्ट होता है तो वो प्लास्टिक का चावल है, तो आपको इस वक्त ध्यान रखना है। इससे आप चावल को पकड़ सकते हैं कि ये ख़राब है कि अच्छा है, फिर चावल को इस तरीके से पकड़ना है, मसलना है। अगर इस तरीके से बुरादा बुरा बन जाता है इसका मतलब ये चावल बिल्कुल ही अच्छा है, और अगर इसमें मिलावट होगी ना तो वो प्लास्टिक होगी, प्लस वो बहुत जल्दी ठंडी नहीं होने वाली तो आपके हाथों में भी चिपक सकती है, तो आपको पता चल जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि चावल को पकड़ना ना नॉर्मल आँखों से नहीं होता है, तो ये आसान तरीका है, आप इसे अप्लाई कीजिएगा चावल पर। अगली
सह मेरी इस तरीके से शर्ट को लेगी। हमारे घर में जो शर्ट पहनी जाती है या शर्ट पहनते हैं तो दो चार दिन बाद में क्या हो जाता है, या एक ही दिन आप ये शर्ट पहन लीजिए, ज़्यादा पहनिए तो हाथों के जो स्लीव्स होते हैं और गर्दन की जो कॉलर होती है ना वो गंदी होती है। और ये होता ही होता है अगर आप शर्ट पहनते हैं या आपके घर में कोई मेंबर शर्ट पहनता है। तो बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ पर बहुत ही काम आता है। एक चम्मच लेना है हमने कोई सभी वॉशिंग पाउडर जो आप यूज़ करते हैं, और एक चौथाई हिस्सा हमने ले लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और जो नॉर्मल सोडा होता है कपड़े धोने का, उसको आप मिलाइए। बहुत ही अच्छा सा केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद में आप ये जो कॉलर है इसे और हाथ के स्लीव्स को दोनों को डिप कर दीजिए। 10 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाने वाला है। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, ना ही ब्रश से घिसना है, ना ही एक्स्ट्रा साबुन लगाना है। वॉशिंग मशीन में भी ऐसा होता है कि जब हम इसे धोते हैं तो क्लीन अच्छे से नहीं होता है, हमें फिर से निकालना पड़ता है, फिर से कॉलर और इन पे साबुन लगा के रब करना होता है। ये होता ही होता है। तो बहुत ही आसान है। इससे जितनी भी आपके घर में शर्ट है अलग से पानी बना लीजिए इसके लिए, और शर्ट को डिप कर दीजिए। बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाती है विदाउट ब्रश के, क्योंकि ब्रश करने से क्या होता है कि बहुत सारे कपड़े हैं जो बहुत जल्दी वक्त के पहले ही घिस घिस के ख़राब हो जाते हैं। तो कपड़ों पे ब्रश मारना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है तब कर लीजिएगा, पर जो शर्ट डेली पहनी जाती है या हर तीसरे दिन धुलती है तो उस पर आप डेली ब्रश करेंगे तो वो 4 महीने भी नहीं चलेगी और ख़त्म हो जाने वाली है। तो ये इनका ड्यूटी का ड्रेस है और वो लगभग 1 साल चलाते हैं, और उनका कहना भी है कि मेरे शर्ट पर ब्रश ना लगाया करें। तो बड़ा यूनिक सा डिफरेंट सा तरीका मैंने निकाला, इसे मैं इनके शर्ट पर कभी ब्रश नहीं लगाती हूँ। आप इसमें डिप कर दीजिए, देखिए 10 मिनट बाद में इस तरीके से हल्का हल्का जो मेल है वो तो निकल गया, पर जो जिद्दी कॉलर पे ये नहीं निकलता, इसके लिए हम ब्रश लगाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए, इस पर लगाते जाइए, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं मिलाना है। मैं चाहती हूँ ना थोड़ा सा काम जल्दी हो जाए, तो इस तरीके से हल्के हाथों से रब कर लीजिए। जितना भी गंदगी होगा शर्ट में, कितना भी जिद्दी मेल, वो निकल जाने वाला है। आप ये दूसरों कपड़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए कपड़ों का कलर ना निकले। आप ठंडे पानी में अगर यही प्रोसेस करते हो तो आपको 20 मिनट के लिए इसे गलाना होगा, और गर्म पानी में करते हैं तो 10 मिनट के अंदर ही आपको अच्छा सा रिजल्ट मिल जाने वाला है। तो मैं आपके सामने ही करी हूँ, और इस तरीके से देखिए मैंने हल्का हल्का सा इसे रब करा और इसका कॉलर क्लीन हो गया। इसी तरीके से मैं हाथों के जो स्लीव्स हैं ना उनको भी क्लीन करती हूँ। तो जितनी भी मेरे पास शर्ट होती हैं मैं इकट्ठा कर लेती हूँ एक साथ, और काफ़ी सारा पानी बना के इस तरीके से इन्हें क्लीन कर लेती हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है स्पेशली शर्ट को क्लीन करने का, क्योंकि पैंट जो जीन्स होते हैं वो इतने गंदे होते भी हैं तो हमें नहीं दिखाई देते हैं, पर जो लाइट कलर की शर्ट्स होती हैं ये बहुत ईजिली दिखती है, प्लस डेली काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इनको स्पेशली अलग से क्लीनिंग करिए, और ब्रश जो होता है बर्तन सॉरी कपड़े घिसने का उसे मत कीजिएगा। इस पानी को हमने फेंकना नहीं है, हमने इसका बहुत अच्छा सा यूज़ कर लेना है। जो हमारे सॉक्स होते हैं, सॉक्स भी धोने ही होते हैं, तो इस पानी में इसे डिप कर दीजिए और आफ्टर इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो इस पानी को एक बार आप यूज़ और कर सकते हैं। और उसके बाद में जो मैंने शर्ट धोया है, इस शर्ट को मैंने अच्छे से सुखा लिया है। मैं इस शर्ट को आपको दिखाऊंगी भी कि ये शर्ट क्लीन हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो शर्ट सूख जाए उसके बाद में मैंने आपको ये शर्ट दिखा रही हूँ, और देखिएगा इस शर्ट पे से जितना भी गंदा मटमेला सा जो कॉलर पे दाग लगे हुए थे ना वो निकल गए हैं, इस तरीके से स्लीव पे भी। तो मेरे को ये तरीका बहुत ही आसान लगता है, ना साबुन रगड़ना होता है, एक चम्मच सर्फ में अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो, और आप इसे शर्ट पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगली टिप है मेरी इस तरीके से तेल को लेके। हम सब्जियां बनाते हैं बाय मिस्टेक या गलती से ज़्यादा तेल डल जाता है, उसके बाद में ना तेल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये किसी को ऑयली खाना पसंद ही नहीं होता, और किसी को पसंद होता है। तो हमने इसको निकालने का एक अच्छा सा तरीका बताती हूँ मैं आपको। जितनी तरी है वो हमने एक ग्लास में ले लेना है, इस तरीके से जितनी तरी तरी है वो मैंने एक तरफ कर लिया है। और ये देख सकते हैं ये तेल का डल्लू है या मेजरमेंट है, इसे मैं हल्का सा डिप करूँगी, और आप देखेंगे जितना तेल है वो आसानी से इसमें आ जाता है। आप यहाँ चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितना एक्स्ट्रा तेल निकालना है ये बिल्कुल ही आसान सा तरीका है। हाँ, ये तब काम करता है जब सब्ज़ी गर्म हो। अगर ठंडी सब्जी है तो आप यहाँ बर्फ चमचे में ले लीजिए और डिप कर दीजिए तेल में, तो सारा जो तेल है वो चम्मच में चिपक जाएगा। पर अगर सब्ज़ी गर्म गर्म है और सर्व करना है तो ये उससे भी आसान तरीका है। बस इस तरीके से डिप करते जाना है, जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा इस डल्लू में आ जाता है। आप छोटे चम्मच या बड़े चमचे का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको ये बड़े चमचे को अभी दिखा रही हूँ। तो क्या करना है, हमने चमचे को ही लेना है
और हल्के हाथों से इस तरीके से इसे दबाते जाइए। जितना तेल होगा ना वो इस चमचे में आ जाएगा। इसके बाद में जितना ऑयल है, ये किसी को ऐसा लगता है आपके घर में कि इतना ऑयल हम नहीं खाते हैं, होता है ना, कुछ मेम्बर ऑयल खाना पसंद करते हैं, कुछ नहीं खाना पसंद करते हैं, और बहुत सारे कहते हैं कि ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, ना ही बर्फ़ जमानी है, ना कुछ नहीं, और एक्स्ट्रा तेल आपका आसानी से निकल जाएगा। तो ये तरीका अपना लीजिएगा जब आपकी सब्ज़ी में तेल ज़्यादा हो जाए, जैसे हमारी सब्ज़ी में तेल ज़्यादा हो गया था। मैंने इस तरीके से देखिए एक पूरा छोटा सा बर्तन है वो भर के निकाला है। अगली टिप है मेरी इस तरीके से मक्के की आटे को लेगी। ठंड का सीज़न हो, मक्के की आटे की रोटी सब्जी रोटी खाना हर कोई पसंद करता है, पर इसको बनाने का एक तरीका होता है। हमने लेना है लोहे का तवा और इस पर करना है हल्का सा पानी गर्म। इस पर एक पानी की लेयर बनने वाली है। तो मक्के की रोटी के लिए स्पेशली आप लोहे के तवे का ही यूज़ कीजिए और इसी गर्म कुनकुने पानी से हमने आटा लगाना है। आप ठंडे पानी से आटा लगाएंगे तो रोटी टूटेगी ही टूटेगी। तो हमने हमेशा जो आटा है वो हल्के कुनकुने पानी से लगाना है। उसके बाद में जो आटा है वो 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से गूथा हुआ होना चाहिए। आपने कभी इडली खाई हो, इडली कितनी सॉफ्ट आती है, उस तरीके का हमने आटा लगाना होता है। और इस तरीके से जब हमारा आटा अच्छे से लग जाए तो आप देखिए हाथों को हमने इस तरीके से करना है, उसके बाद ही आपका आटा अच्छे से लगने वाला है। आप आटे को आप हाथ से बनाइए या प्लास्टिक से आप जिस तरीके से रोटी बनाइए, उसके बाद में आपकी एक एक मक्के की रोटी अच्छे से फूल के तैयार होने वाली है। आई होप आपको आज की सारी टिप्स बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद।